पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, नींद आती है, फोन चलाने का मन करता है, नींद चली जाती है, थोड़ा देर पढ़ता हूँ उसके बाद फोकस नहीं कर पाता, लेकिन 2 घंटे मूवी देखता हूँ फिर भी मन नहीं भर पाता, जो कुछ भी पढ़ता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन फालतू चीजें सब याद है जिन्हें याद करने के कोई नहीं कहता। पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन का जरूरत पड़ती है, पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आती है, बेहोशी से चढ़ती है। दोस्तों आप जानते हैं सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है? ये दोनों बड़े बड़े सपना देखते हैं, फर्क सिर्फ इतना है सफल वो होता है जो सपनों देखने के साथ साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, और जो असफल होता है वो सिर्फ सपनों देखता है और काम कुछ नहीं करता है और बहाना बनाता है। दोस्तों सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक आपके सपने पूरे ना हो जाए अपनी आंखें खुली रखें, अपने मन को कंट्रोल करें, इससे पहले कि आपका मन अपना गुलाम बना ले। जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है लेकिन पढ़ना नहीं है, सपना बहुत बड़े बड़े देख लिया है लेकिन पढ़ना नहीं है, पूरी दुनिया से आगे निकलने का सपना देख लिया है लेकिन पढ़ना नहीं है क्योंकि पढ़ने का मन नहीं है और आप अपने मन का गुलाम बन चुके हो। अगर अपना काल बदलना है तो अपना आदत को बदल लो, बिल्कुल भी समय ना लगाओ ये सोचने में कि आपको पढ़ना है, वरना समय तय कर लेगा आपको क्या करना है। कभी ये मत सोचो कि 1 महीना या 1 साल में क्या कर सकते हो, बल्कि ये सोचो कि अभी इस 24 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो। खुद से झूठ मत बोलो, बहाना बनाना बंद करो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। किसी ने क्या खूब कहा है, ये मत तुम्हें भटकाएगा इसकी मत सुनो, झूठे ख्वाब और बड़े बड़े सपना मत बनो, अंदर से निकलने के लिए कुछ कर्म करो, अपनी गलती को मान लो, कुछ तो शर्म करो। आखिर कब तक तो घुसोगे तुम इस संसार को, सह नहीं पाओगे इस दुनिया की तिरस्कार को, दुर्भाग्य से निकलने का जतन तो करो, अपने धड़कनों को समझने का प्रयास तो करो। माँ को डेरुंग तमन्नाएं थी तेरे जन्म के बाद, पिता ने देखे थे सपने कोई दर्शकों के बाद, उनकी ख्वाबों में अपनी आंखों में जगह तो दो, संभल जाएंगे पैर तेरी उनकी सताह तो दो। जन्म लेना और मर जाना तो नियति है संसार की, सोचा कभी क्या वजह थी तेरी अवतार की, मिट्टी हो जाएगा सोना तुम स्पर्श तो करो, कर रही है मंजिल इंतजार तुम संघर्ष तो करो। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही दूर और है, उजल ना हो लक्ष्य तेरा एक पल तू नजरों से, हर पल दिल का धड़कन का यही शोर है। आज जो तूने अपने माँ बाप का सपनों को कीमत ना जानी, खुद से झूठ बोला और सपनों से की बेईमानी, तो कल तेरा हालातों का खुद ही जिम्मेदार रहेगा, कुछ भी नहीं होगा तेरा हाथ, बस तेरा पास अफसोस रहेगा। दोस्तों जान लगा दो या जाने दो, मुश्किलों से मत घबराओ, उनकी आने दो, तुम कोशिश का दिया जलाए रखना, खुद को तैयार रखो लक्ष्य को पाने को, नहीं तो एक दिन तुम अपने आप से शिकवा जरूर करेगा कि मंजिल तुम्हारे सामने थी और तुम दुनिया से उलझे रहे। यू ही नहीं मिलती राह की मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगह ना होता, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि सफलता के लिए यह जरूरी है कि एक बार और प्रयास किया जाए। यदि वास्तव में कुछ करना चाहता है तो आपकी रास्ता जरूर मिल जाएगा, अगर आप नहीं करना चाहते हैं बहाना जरूर मिल जाएगा। इसमें आप जरूर तय कर लो कि आप रास्ता ढूंढने वालों से है या बहाना ढूंढने वालों से है। यदि दिल पे लगी आग तो शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। साइनिंग ऑफ बीके मोटिवेशन।